Hey everyone, are you looking for a really easy way to create animated characters like this cute little puppy dog, this creepy looking Sasquatch, this hipster looking student, or this whatever it is? Let's jump to the video. अगर आप भी इस तरीके की अमेजिंग से वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप्स को फॉलो अप करना है। आप आसानी से इस तरीके की वीडियोस को क्रिएट कर सकेंगे। हमेशा की तरह आपको आपके एडोब एक्सप्रेस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज करें वो एडोब एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम एनिमेटेड फॉर्म ऑडियो के ऑप्शन को यूज कर इस तरीके से आसानी से AI जनरेटेड वीडियोस को क्रिएट आउट करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर अपने एक्सेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर फर्दर क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। साइन इन के लिए आपने यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट का यूज करना है, उससे आपने यहाँ पर लाजमी साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म ऑडियो का प्लेटफॉर्म ओपन अप होगा। अब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल आसान से तीन स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप करेंगे और अपने वीडियो को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखो तो आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके अंदर साइज, बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो किसी भी वीडियो को क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहली चीज जो यहाँ पे सिलेक्ट आउट करनी होती है वो आपकी वीडियो का साइज है। अब आप इंस्टाग्राम के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पिंट्रेस्ट, लिंक्डइन, स्नैपचैट एंड टिकटॉक के अलावा कस्टम भी यहाँ पर साइज को अपने अकॉर्डिंगली जनरेट आउट कर सकते हो, जो भी साइज आप यहाँ पे अपने वीडियो का जनरेट करना चाहो। मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के लिए इस साइज को कंपाइल करूंगी, तो मैं यहाँ से 16:9 लैंडस्केप में यूट्यूब का ऑप्शन साइज के अंदर सिलेक्ट कर लूंगी। जब आप यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लो तो साइज सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चूज करना है। आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन बैकग्राउंड को चूज करने से ज्यादा पहले जो आपने इंपॉर्टेंट चीज चूज करनी है वो है हमारा कैरेक्टर। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी में कैरेक्टर मिल जाएगा, जिसके अंदर ह्यूमंस भी हैं, क्रिएचर्स भी हैं, फूड्स भी हैं, इमोजीज वगैरह भी शामिल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा हो आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो को क्रिएट करने के लिए। अच्छी बात ये है इस प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है वो आपके पास फुली मूवमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी कैरेक्टर पसंद आ रहा हो उसे यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक फुटबॉल स्टूडियो से रिलेटेड स्टोरी को क्रिएट आउट करूंगी, जो कि एक बेसबॉल हमें यहाँ पर सिलवा रही होगी। तो मैंने इस तरीके से अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली बेसबॉल को चूज कर लिया है। अब ये मेरा मेन कैरेक्टर है। अगर आप चाहो तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका साइज डिक्रीज कर सकते हो। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज किस तरीके से मेजर आउट करना है। साइज के बाद अगली चीज है बैकग्राउंड। आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली किसी भी किस्म का कोई भी बैकग्राउंड चूज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर को मूव आउट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिए गए वो पसंद आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ग्रीन स्क्रीन का यूज कर सकते हो और अपनी मर्जी से भी किसी भी कलर के किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पर आप चूज आउट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड्स है वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे तो आप अपनी मर्जी का कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करती हूँ, फिर हम अपनी मर्जी का यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फुटबॉल का इमेज अपलोड आउट कर लेती हूँ। अब आप चाहे तो अपने कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेस्ड आउट कर सकते हैं कि आपने अपने कैरेक्टर को किस तरीके से रखना है। इस कैरेक्टर को रखते हुए बस इस बात का ख्याल रखें कि हम जो फर्दर यहाँ पर अपनी वॉइस ऐड करेंगे अगले पार्ट के अंदर तो उसके अंदर ये कैरेक्टर मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो आपने इस तरीके से अपने कैरेक्टर को सेट आउट करना है कि आपकी जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंगली इसकी मूवमेंट भी कंपाइल्ड हो। अब हम यहाँ पे दूसरे स्टेप की बात करते हैं जो कि हमारे वॉइस से रिलेटेड है। वॉइस के लिए आप यहाँ पे दो ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आप रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर आप इस तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग आपको करनी हो आप उसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर कंपाइल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे
अवेलेबल है वो है चूज एन ऑडियो फाइल। अगर आप यहाँ पर अपनी AI जनरेटेड वॉइस का यूज करना चाहते हो तो आप ऑडियो फाइल को यहाँ पर यूज आउट कर सकती हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऑडियो फाइल को किस तरीके से आप क्रिएट आउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपको AI जनरेटेड वॉइस का यूज करना चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन से एक टूल मिल जाएगा जो कि स्पीच एक्टर्स के नाम से अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और इस टूल की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहो, आप यहाँ से उस वीडियो के अकॉर्डिंगली अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर उर्दू पाकिस्तानी वीडियो का यूज करूंगी जो हमारी वॉइस होगी उसके लिए। आप यहाँ पर हिंदी इंडियन साथ ही साथ उर्दू इंडियन का यूज भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान से रिलेटेड उर्दू वॉइस का यूज करें तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान उर्दू की वॉइस को सिलेक्ट किया है। अब आपके पास वॉइस में डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं। इंग्लिश के ऑप्शन के अंदर आपके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उर्दू वॉइस के अंदर आपके पास दो या दो से ज्यादा वर्जन अवेलेबल है, एक मेल और एक फीमेल वॉइस में। आप चाहे तो आप मेल वॉइस को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप फीमेल वॉइस को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल वॉइस को यूज कर रही हूँ एंड इस स्टाइल को हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखेगा जहाँ पर आपने अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट अपने कैरेक्टर से बुलवाना है आप उस पर लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट प्योर उर्दू के अंदर लिखा है। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो या फिर आप रोमन में भी टेक्स्ट लिख सकते हो और वो इस टेक्स्ट को भी जनरेटेड आउट कर देता है। 300 कैरेक्टर तक आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो और इसके बाद आप अगेन दूसरे वॉइस में इस कैरेक्टर की वॉइस को जनरेट आउट कर सकते हो। अब अपनी सब चीजों को मेंशन आउट करने के बाद हम जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हमारी वॉइस को इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर ले आएगा। अब आपने इस वॉइस को यहाँ पे डाउनलोड के बटन से क्लिक कर अपने पास डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वापस एनिमेट फ्रॉम ऑडियो वाले अपने ऑप्शन के ऊपर आएंगे एंड मैं यहाँ से चूज एन ऑडियो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब आपने जहाँ पर भी उस ऑडियो को डाउनलोड आउट किया है आप वहां पर से उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी ऑडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये आपकी लिप्सिंकाइजेशन करेगा, यानी कि आपने जिस तरीके से बोला है उस तरीके से ही करेक्टर भी बिल्कुल सारे एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पर बोलने लगेगा। जब तक ये यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप AI सीरीज के और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताओ। मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग अमेजिंग से AI रिलेटेड वीडियोस को यहाँ पर लाती रहूंगी। तो कंपोजिशन के साथ साथ प्रोसेसिंग का वेट करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने हमारी जो कंपोजिशन है उसको कंपाइल कर लिया है, हमारा फाइनल लुकअप ये यहाँ पर ले आया है। तो अब मैं यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट को प्ले करती हूँ ताकि आपको यहाँ पर नजर आए कि किस तरीके से यहाँ पर वॉइस जनरेट हो रही है। तो हम यहाँ से प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अली फुटबॉल स्टेडियम के मरकज के दायरे में खड़ा हुआ और 35 मीटर ओवरहेड से गेंद के गिरने का इंतजार करने लगा। अगर आपको लगता हो कि आपके यहाँ पर वॉइसेस में नॉइसेस वगैरह हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ये बिल्कुल ठीक लग रहा हो तो आपने यहाँ से डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको वॉइस को एनहांस करना चाहिए तो आप बैक टू एडिटिंग जाए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनहांस स्पीच का। आप इस ऑप्शन को ओपन अप कर दो तो आपकी वॉइस के अंदर जितना भी नॉइस होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हम दोबारा से प्रीव्यू करेंगे और ये प्रोसेसिंग को दोबारा से कम्प्लीट कर विदाउट नॉइज अब हमारे वीडियो को क्रिएट आउट कर देगा। अब मैं इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करूंगी और फिर आपको इसका फाइनल लुकअप दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स एंड अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स के थ्रू अपने स्टोरीज को जनरेट आउट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपने अब तक मेरा AI जनरेटेड स्टोरी चेकआउट नहीं किया है जो कि मैंने यहाँ पर AI वॉइस एंड इमेजेस के थ्रू जनरेट आउट किया था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा। आप मेक श्योर करो कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। एनिमेट फ्रॉम ऑडियो की अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर आपके वीडियोस को लेकर आता है, यानी कि जो बात आपने जिस तरीके से बोली है ये उसी तरीके से यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली आपके वीडियोस को जनरेट करता है। अब आप इसे दोबारा प्ले कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो कि नॉइस है या नहीं है। अब हम यहाँ से डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपने वीडियो को डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जहां पर भी चाहो, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आपने इसको अप्लाई आउट किया है, क्रिएट किया है, आप वहां पर इसका यूज कर सकते हो। आजकल AI जनरेटेड चैनल्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और
और दूसरी तरीके की चीजों को क्रिएट आउट कर अपने लिए आसानी से अर्निंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि वीडियो 100% प्रोसेस हो गई है एंड यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड भी हो गई है। अब आप आसानी से जो है वो अपने वीडियो को यहाँ पर यूज आउट कर सकते हो। आप यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स को चाहो उनको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, जितने भी आप यहाँ पर चाहो अपने जो आपके बैकग्राउंड्स हैं उनको यहाँ पर क्रिएट आउट कर सकते हो। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी तरीके का चाहो उस तरीके का साइज वगैरह भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो एंड कैरेक्टर वगैरह को भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन आउट कर सकते हो। तो काफी अच्छा फीचर लगा मुझे ये एनिमेट फ्रॉम ऑडियो से रिलेटेड। तो अगर आपको भी ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। अगर आप और AI सीरीज को देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।